बहुत ही टेस्टी अम्मी बने, और ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप यही रेसिपी से एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए। मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोटैटो चीज बॉल रेसिपी। इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 बॉईल करे हुए ग्रेटेड आलू और मोजरेला चीज, ये ग्रेटेड ही मिला है मुझे, और ये है ब्रेड क्रम्स और लहसुन अदरक का पेस्ट, ब्लैक पेपर, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक और कॉर्नफ्लावर, और हमने लिया है रेड चिली फ्लेक्स। हम लेंगे एक बाउल में अपने कद्दूकस किए हुए आलू और इसमें डालेंगे 1/2 कप ब्रेड क्रम्स। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। अब हम इसका डो तैयार करेंगे। अगर आपके आलू ज़्यादा गीला हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से कॉर्नफ्लावर डालूँगी। हम इसमें 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। हमारा डो बन गया है। अब हम इसके लिए रैनी सा बैटर तैयार करते हैं। हम लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक और 1 पिंच ब्लैक पेपर, और पानी डालकर एक पतला सा घोल तैयार करते हैं। हमारा बैटर तैयार है। आप देख सकते हैं हमारा बैटर इस टाइप का होना चाहिए, पतला सा। अब हम अपने चीज के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। हम चीज को अच्छे से दबा के छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस टाइप के बॉल बनाया है। अब हम तेल का हाथ लेंगे, हल्का सा मैंने अपने हाथों पे ऑयल लगा लिया है। अब हम चीज को आलू में फिल करेंगे और इसके गोल गोल बॉल बनाएंगे। हम इसके गोल गोल बॉल बनाएंगे और इसको कॉर्नफ्लावर के बैटर में डालेंगे, फिर ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। इस तरीके के हम अपने सारे बॉल बना लेंगे।
अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए फ्रीजर में रखेंगे। हमारे 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे गरम गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे बॉल कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अच्छा, इसमें गोल्डन कलर आ गया और एकदम गोल गोल बॉल बने हैं। हमारे बॉल टूटे भी नहीं हैं, बहुत अच्छे से बने हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे।